जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और फंडामेंटल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। देखिए, जैसे कि किस कंप्यूटर की क्या पीढ़ियां होती हैं या कौन कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी चल रही है, कौन सी पीढ़ी बीती हुई है, उसके बारे में आज की क्लास में हमको जानना। जैसे कि जिस तरीके से मोबाइल में भी दिन प्रतिदिन सुधार हमको देखने को मिला है, स्टार्टिंग में मान के चलिए कि जैसे कि 2G आया, उसके बाद से 3G फोन आया, उसके बाद से 4G आया और इस समय आपका 5G चल रहा है। सेम वैसे ही अगर हम कंप्यूटर के बारे में बात करें तो कंप्यूटर में दिन प्रतिदिन जो सुधार हुआ है, इसके हर एक जनरेशन में जो चेंजिंग आपको देखने को मिला है, वही आज की क्लास में समझना है कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था, सेकेंड जनरेशन में क्या था, थर्ड जनरेशन में क्या था, ये पूरे ऑप्शंस के बारे में आज की क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियां। और यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि बहुत साल पहले भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी किया जाता है। पहले की कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में बहुत अंतर है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि बहुत साल पहले भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता था और आज भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। कि पहले के कंप्यूटर और आज के कंप्यूटर में बहुत अंतर है। कंप्यूटर में समय के साथ काफी परिवर्तन हुआ है। यानी कि इस समय वर्तमान के जो हम कंप्यूटर देखे हैं और पहले की कंप्यूटर से अगर हम कंपेरिजन करें तो बहुत ही ज्यादा चेंजेस हमको देखने को मिला हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आज के समय के कंप्यूटर काफी मॉडर्न और एडवांस देखने को मिलते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम के जो कंप्यूटर हमारे पास अवेलेबल है, ये काफी मॉडर्न है और काफी एडवांस भी फीचर्स इसका दे रखा है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि लेकिन पुराने समय के कंप्यूटर इतने मॉडर्न और आधुनिक नहीं हुआ करता था, लेकिन बदलते समय के साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में जो सुधार हुआ, जिसमें काफी समय भी लगा। मतलब इस समय अगर हम प्रेजेंट टाइम के बारे में बात करें तो अभी हमारे कंप्यूटर में बहुत सारा चेंजेस हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले की बात करें, कुछ साल पहले की बात करें, तो भी तो कंप्यूटर चलता था। 28 साल पहले भी कंप्यूटर चलता था, आज के बहुत साल पहले भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता था। लेकिन आज के समय में जितनी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट आपका आगे बढ़ा हुआ है, जिस तरीके से कंप्यूटर में नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग हुआ है, वैसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग पहले के कंप्यूटरों में नहीं किया जा सकता। और फिर यहाँ पे दिया कि लेकिन बदलते समय के साथ कंप्यूटर के क्षेत्र में जितना सुधार हुआ है, जिसमें काफी समय लगा, जिस तरीके से समय चेंजेस हुआ, जिस तरीके से आपका समय आगे बढ़ा हुआ, उस तरीके से हमने ये देखा कि कंप्यूटर में ज्यादा मात्रा में चेंजेस आपको दिखाई दिया। और फिर यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। मैंने आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया है, अब याद करिए सुपर कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। एक कमरे के बराबर उसकी लंबाई होती थी, सोचिए इतने बड़े साइज की कंप्यूटर के बारे में मैंने आपको बताया था। लेकिन पहले के कंप्यूटर की ये विशेषताएं थी कि पहले के कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा हुआ करता था। और फिर कह रहा है कि लेकिन आज के कंप्यूटर साइज में भी बहुत छोटे हैं और इनकी स्पीड भी बहुत तेज है। आज के समय से अगर आज के कंप्यूटर से पहले के कंप्यूटर में आप कंपेरिजन करेंगे तो आज के कंप्यूटर उससे बहुत ही छोटा साइज में है और उससे स्पीड भी बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके हिसाब से काम करने की कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसे सरल भाषा में इसे समझे तो वह टाइम पीरियड, समय अवधि जिसमें हम कंप्यूटर के टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी कहते हैं। क्या बताया जा रहा है? वह टाइम पीरियड, समय अवधि जिसमें कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, वह जनरेशन, वह पीढ़ी जिसमें कंप्यूटर का दिन प्रतिदिन क्या हुआ, विकास हुआ, कह रहे कि इसी टाइम पीरियड को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जो दिन प्रतिदिन आपके सिस्टमों में सुधार हुआ, आपके कंप्यूटर में दिन प्रतिदिन सुधार हुआ, जिस तरीके से पीढ़ियों में सुधार हुआ, इसी को हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अब चलिए, कौन सी पीढ़ी कब आई, कब उसका यूज हुआ, उसमें क्या पाया गया, ये सब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कह रहा है कि कंप्यूटर की तकनीकी को विकसित होने में लगभग 5 पीढ़ियों का वक्त लग गया। कंप्यूटर के सिस्टम में विकास होने में, उसको विकसित होने में आप ये समझिए कि 5 पीढ़ियों का वक्त लग गया। और कह रहा है कि इसीलिए कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां होती है जो कि नीचे दी गई है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए, अभी प्रेजेंट टाइम में आपकी 5वीं पीढ़ी चल रही है कंप्यूटर की, 5वीं पीढ़ी जो कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी बताया गया है। तो कब किस पीढ़ी का प्रयोग, तो देखिए इसमें पहले पीढ़ी लिखा हुआ है कि कंप्यूटर के पहली पीढ़ी 1940 से 1956 तक चला हुआ, 1940 से 1956 ईस्वी तक चला। फिर सेकेंड पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 तक हुआ,
और फिर तीसरे पीढ़ी की शुरुआत 1964 से 1971 तक हुआ थी। इसके बाद से आपका आता है चौथी पीढ़ी 1971 से 1985 तक। अब इसके बाद से आज के समय में जो चल रहा है पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर, वो आज के समय में भी प्रचलन में है। जो हम लोग यूज कर पा रहे हैं कंप्यूटर, ये कौन से पीढ़ी के कंप्यूटर है? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है। तो देखिए, अगर हम पहली पीढ़ी के बारे में बात करें तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आया, या तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आया, या चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या आया, या आज के समय के कंप्यूटर में ऐसा क्या मिल गया कि पांचवी पीढ़ी तक आपका कंप्यूटर का पीढ़ी चला गया। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका दिया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। क्या दिया है जी? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रथम पीढ़ी। मैं क्या बताया जा रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर साइज में काफी बड़े हुआ करते थे। जितने भी पहले पीढ़ी के कंप्यूटर आते हैं उसकी साइज क्या होती थी? काफी बड़ी मात्रा में होती थी। और फिर कह रहा कि आप इनके साइज का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इन कंप्यूटर को रखने के लिए कमरे की जरूरत पड़ती थी। ये मैंने आपको पढ़ाया भी है। बोलिए, आप समझ, इसमें ये बताया जा रहा है कि आप इस कंप्यूटर की अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको रखने के लिए एक कमरे की जरूरत पड़ती थी। सोचिए कितना छोटा कंप्यूटर था। समझ में आ रहा है ना? इतनी बड़ी साइज की कंप्यूटर थी जिसको कि रखने के लिए एक रूम की आवश्यकता होती थी। और फिर अगला पॉइंट क्या लिखा है कि पहली पीढ़ी की शुरुआत 1940 में हुई और इसका अंत 1956 में है। 1940 में इसकी शुरुआत हुई और 1956 में इसका अंत हुआ। फिर कह रहा है कि इस पीढ़ी की शुरुआत, कह रहा है कि इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कांच के बने वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। आखिर ऐसा क्या उसमें ऑप्शन लगाया जाता था, उसमें क्या ऐसा पार्ट्स लगाया जाता था जिससे कि उसकी साइज बहुत बड़ा हुआ करता था? तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर में? पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था। और फिर कह रहा है कि इसमें हजारों की संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, अगर एक दो वैक्यूम ट्यूब रहता तो बातें समझ में आती, अभी टोटल हजारों संख्या में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। क्या इससे कंप्यूटर की साइज बड़ी होगी कि छोटी होगी? बोलिए, जब हजारों मात्रा में, हजारों देखा जाए तो हजारों क्वांटिटी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल आपके कंप्यूटर में किया जाता था, वो भी पहले जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता था जिससे कि उसकी साइज काफी बड़ा हुआ करता है। अब कह रहा है कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, ये आपका पहला जनरेशन का कंप्यूटर देख लीजिए, ये दिख रहा है ना, ये पहले जनरेशन के कंप्यूटर हैं। अब इसके बाद से क्या दिया है? सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर। अब देखिए, कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी, कह रहा है कि कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी की शुरुआत 1956 में हुई थी और इसका अंत 1963 ईस्वी में हुआ। किसकी बात हो रही है? दूसरी पीढ़ी कंप्यूटर की बात हो रही है। इसको 1956 में तैयार किया गया और 1963 में ये समाप्त हो गया। और फिर कह रहा है कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। अभी मैंने आपको पहली पीढ़ी के बारे में बताया है कि पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया जाता था। और कह रहा है कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी छोटा हुआ करता था। अगर ये भी ट्रांजिस्टर के जैसे, सॉरी, हाँ, ये भी अगर जो है वैक्यूम ट्यूब की अपेक्षा, अगर ये भी अगर इसकी साइज बड़ी होती तो क्या कंप्यूटर की साइज छोटा हो पाता? तो इसका जो प्रयोग था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग, ये हम वैक्यूम ट्यूब के आधार पर अगर देखा जाए तो पहली पीढ़ी की शुरुआत में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया, वही दूसरी पीढ़ी की जब शुरुआत हुई तो उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। और ट्रांजिस्टर के बारे में क्या बताया जा रहा है कि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब के मुकाबले काफी छोटा होता था। समझ में आ रहा है ना? काफी क्या होता था? छोटा होता था। और फिर कह रहा है कि ट्रांजिस्टर के कारण कंप्यूटर का साइज काफी, पहली पीढ़ी के मुकाबले काफी छोटा हो गया था। ट्रांजिस्टर आने के बाद कंप्यूटर के क्षेत्र में काफी ज्यादा विकास हुआ। यानी कि जब कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर लगाया गया तो ये ट्रांजिस्टर से ये फायदा देखा गया कि कंप्यूटर की साइज में काफी से ज्यादा शुरुआत, मतलब काफी ज्यादा ज्यादा इंक्रीज हमको देखने को मिला कि उसकी साइज पहले जो बड़ा हुआ करता था, जब सेकंड जनरेशन में क्या लगाया गया, ट्रांजिस्टर लगाया गया, तो कंप्यूटर की साइज क्या हो गया? छोटा। ये सब अंदर उसके पार्ट लगाए जाते थे कंप्यूटर के अंदर। अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं, एक बार देख लीजिए कि वैक्यूम ट्यूब और ट्रांजिस्टर कैसे होता था। एक बार हम चेक करवा दे रहे हैं। वैक्यूम ट्यूब किसका बना होता था? कांच का बना होता था। देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, यहां पे हम सर्च कर दे रहे हैं वैक्यूम ट्यूब। देखिए, यही आपका वैक्यूम ट्यूब होता था, ये कांच का बना होता था, दिख रहा है ना?
और इसी वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? सेकंड, सॉरी, फर्स्ट जनरेशन में। सेकंड में क्या था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर चेक कर लीजिए, यही हमारे ट्रांजिस्टर हैं, यही ट्रांजिस्टर लगाया जाता था, ये सेकंड पीढ़ी के सिस्टम में लगाया गया। समझ में आ रहा है ना? तो ये हमारे ट्रांजिस्टर हैं, और इसके पहले मैंने आपको वैक्यूम ट्यूब के बारे में बताया है। अब चलिए, अब इसके पास से कौन सी पीढ़ी की कंप्यूटर? तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी की शुरुआत 1964 में हुई थी और इसका अंत 1971 में हुआ था। और कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी में कंप्यूटर के अंदर ट्रांजिस्टर की जगह आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का इस्तेमाल किया जाता था। इसमें आईसी चिप लगाया जाता था, किसमें? थर्ड जनरेशन वाले में। और कह रहा है कि आईसी एक तरह की चिप है जो कि सिलिकॉन से बनी हुई होती है, और इसीलिए इसको सिलिकॉन चिप भी कहा जाता है। और कह रहा है कि तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर काफी ज्यादा रिलायबल, विश्वसनीय थे, और तीसरी पीढ़ी की कंप्यूटर की काम करने की स्पीड पिछले दोनों पीढ़ियों के मुकाबले क्या थी? बेहतर थी। मतलब अभी तक जो मैंने आपको दो पीढ़ियों के बारे में बताया है, फर्स्ट और सेकंड के बारे में, वैसे ही अगर हमारी तीसरी पीढ़ियों की शुरुआत जब आईसी के माध्यम से हुआ, तो इसकी काम करने की कैपेसिटी दोनों पीढ़ियों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा होगा। और फिर कह रहा है कि इंटीग्रेटेड चिप आईसी आने के कारण कंप्यूटर का साइज काफी छोटा भी हो गया था। जब आईसी का प्रयोग आया कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में, तो उसमें काफी मात्रा में, साइज में काफी मात्रा में क्या हो गया? सुधार हो गया, काफी मात्रा में इसकी साइज भी छोटी हो गई। और फिर कह रहा है कि इसके साथ ही साथ मेमोरी की क्षमता भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। मतलब केवल आईसी के आने से कंप्यूटर में बहुत ज्यादा विकास आपको देखने को मिला। पहले तो कंप्यूटर की साइज छोटी हो गई, और दूसरा दोनों कंप्यूटर के मुकाबले इसकी स्पीड भी अच्छी हो गई, और तीसरा कह रहा है कि मेमोरी की क्षमता में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, काफी ज्यादा बढ़ गई। और फिर कह रहा है कि इस पीढ़ी में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग किया जाता था। मतलब इसमें टाइम को भी शेयर करके अपना काम किया जा सकता था, और मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये होता है कि इसमें हम ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम हम एक साथ कर पाते थे। ये आपके तीसरी कंप्यूटर के, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए, कोई दिक्कत है? चलिए, इसमें मैं आईसी के बारे में यहाँ पे दिखवा दे रहा हूँ। देखिए, आईसी होता क्या है? आईसी देखिए, यही आपका आईसी होता था, इंटीग्रेटेड चिप के नाम से इसको जाना जाता था, इंटीग्रेटेड सर्किट, सॉरी। इंटीग्रेटेड सर्किट, देखिए यही होता था आईसी चिप। ये कैसे बना है? सिलिकॉन से बना होता था। समझ में आ रहा है ना? ये सिलिकॉन से बना हुआ होता था। देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट लिखा है यहाँ पे। अब चलिए, इसके बाद से कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी। देखिए, अगर हम चौथी पीढ़ी के बारे में बात करें, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? कह रहा है कि कंप्यूटर के चौथी पीढ़ी की शुरुआत 1971 में हुई थी और इसका अंत 1985 में हुआ था। और कह रहा है कि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। इसका इस्तेमाल, माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था, और माइक्रो प्रोसेसर में बहुत सारे LSI सर्किट भी होते थे। और कह रहा है कि इस जनरेशन ने कंप्यूटर के छोटे साइज में ही काफी ज्यादा फीचर्स उपलब्ध करवा दिया, यानी हम कह सकते हैं कि इसका साइज काफी छोटा हो गया, और इसके साथ ही साथ कंप्यूटर के सारे फीचर्स भी इंस्टॉल हो गए। मतलब कि अभी तक मान के चले कि मैंने आपको तीन के बारे में बताया, कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी, कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी और कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी, लेकिन अब जो हमने पढ़ा है कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी, इसमें ये बताया जा रहा है कि इसकी साइज में काफी परिवर्तन हमको देखने को मिला, और आईसी की जगह माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता था। और फिर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इसके साथ ही साथ इस कंप्यूटर में सारे फीचर्स आसानी तरीके से इंस्टॉल भी हो जाते थे। और फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस पीढ़ी में रियल टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाता था। एक प्रकार का जो हमारा चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर थे, उसमें काफी ज्यादा ज्यादा मतलब विकास हमको देखने को मिला, कि जिसमें हम बहुत सारे प्रोग्राम हम आसानी तरीके से चला पाते थे, और इसके साथ ही साथ इसमें बहुत ही ज्यादा फीचर्स उपलब्ध करवा दिया गया। आप कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी?
पांचवी पीढ़ी जो अभी हम प्रेजेंट टाइम में यूज कर पा रहे हैं, ये फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, कह रहा है कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर अभी तक सभी पीढ़ियों से बेहतर और एडवांस है कि नहीं है। इस समय की अगर पीढ़ी की कंप्यूटर के बारे में बात करें तो सोचिए कितना छोटा कंप्यूटर आपको दिख रहा है, और पहले के कंप्यूटर एक कमरे के बराबर हुआ करता था, सोचिए। लेकिन उसकी अपेक्षा अगर हम इस पीढ़ी से अगर हम देखें तो काफी ज्यादा से ज्यादा सुधार हमको देखने को मिला। और फिर कह रहा है कि आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि ये कंप्यूटर बिल्कुल इंसानों की तरह व्यवहार करते हैं। और फिर कह रहा है कि पांचवी पीढ़ी में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, और वर्तमान समय में कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है और यह कंप्यूटर की आखिरी पीढ़ी है। अब देखिए, सबसे पहले हम एआई के बारे में बात करें, एआई का पूरा नाम होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने नाम सुना होगा इसके बारे में। इसका प्रयोग क्या है, तो देखिए जैसे कि अगर आपको अपनी कंप्यूटर में जो काम आपका काम करने में अपनी कंप्यूटर में मान के चलिए कि 20 से 25 मिनट का टाइम लग रहा है, वही अगर आप एआई के माध्यम से करते हैं तो मात्र 1 से 2 मिनट में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। और अपने वहां सारे क्लासों में एआई के माध्यम से शिक्षा दिया जा रहा है, क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी, और इसका सबसे ज्यादा अभी इस समय मार्केट में इसका क्या है, सबसे ज्यादा डिमांड। आप किसी कंपनी में काम करने चले जाइए, आप खुद बताइए, जो काम हमको करने में आधा घंटा का समय लग रहा है, अगर एआई उस काम को मात्र 2 से 3 मिनट 5 मिनट में कर दे रहा है तो खराब है। तो इससे सबसे पहली पॉइंट यह है कि हमारे समय की बचत हो रही है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि एमएस वर्ड के पेज पे आपको एक रिज्यूम बनाना है, एक रिज्यूम आपको तैयार करना है, या फिर मान के चलिए कि ब्रांच मैनेजर के लिए एक एप्लीकेशन आपको लिखना है, या यानी कोई भी एप्लीकेशन आपको टाइप करना है, तो इसके लिए सोचिए अगर आप एमएस वर्ड में जाएंगे तो काफी टाइम लगेगा टाइपिंग करने के लिए, लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन उसी एमएस ऑफिस के वर्ड में एआई को कन्वर्ट करके रखा गया, जो आपके आगे वाले आने वाली क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा। अब एआई के माध्यम से अगर आप रिज्यूम बनाएंगे, चाहे कोई आप फॉर्म वगैरह बनाएंगे, कोई सर्टिफिकेट वगैरह बनाएंगे, तो जो आप नॉर्मल कंडीशन से बनाते थे, जो आपके पास टाइम लगता था 1 घंटे 2 घंटे का, वो एआई मात्र 1 से 2 मिनट में बना करके आपका रेडी करके दे देगा। समझ में आ रहा है ना? तो आज के समय में इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, किसका? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कंप्यूटर है क्या, हमारी कामों को आसान करे वही कंप्यूटर है। तो दिन प्रतिदिन हमको चेंजेस देखने को मिला, तो ये पांचवी पीढ़ी जो आखिरी पीढ़ी है इसमें हमको क्या मिला देखने को, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमको मिला देखने, जो हमारी कामों को बहुत ही कम समय में करके दे दे रहा है। और देखिए बड़े बड़े कंपनियों में आज जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बड़े बड़े लेवल की जो कंपनियां हैं वो सब एआई के बेस पे अपना काम करा रही है। अगर एआई के बारे में जानकारी नहीं है तो आप ये समझिए कि आप काम नहीं कर पाएंगे, वही काम तो करेंगे लेकिन कोई मतलब नहीं है, जो काम आपका 1 मिनट में हो रहा है वो काम आपका 1 घंटे में होगा, तो मालिक वैसे भी आपको नहीं रखेगा, है कि नहीं है? आज के समय में आप कहीं पर भी ड्यूटी अगर आप देते हैं तो आप ये समझिए कि समय को हिसाब से, समय को देखते हुए आपको काम को जल्दी करने की कोशिश करना चाहिए, इससे कि हमारा काम आसानी तरीके से हो सके। इसमें आपका एआई बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? तो यही हमारी कंप्यूटर की जनरेशन थी, इसको लिख लीजिए कॉपी में।